जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय जगन्नाथ भगवान, जय बजरंगबली भगवान, जय भोलेनाथ। जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो आपने देखा होगा और आभास भी किया होगा, ज़्यादातर ये समस्या तब आती है जब आप मंत्र जप करना शुरू करते हैं। जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा व्यवधान आते हैं मंत्र जप करने में। कभी बच्चे चिल्लाना शुरू कर देंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कौ आपस में झगड़ना ही शुरू कर देंगे। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब से आप मंत्र जप करना शुरू कर रहे हैं आपस में बहुत झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, बिना बात के झगड़े होते रहेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है भाई बहन में झगड़े हो जाए, माता पिता से बहस हो जाए, तो ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। और जब आप इसका कारण पता करने का प्रयास करेंगे तो कारण आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि छोटी सी बात थी या कोई बात ही नहीं थी, तब भी सबका आपस में मुंह बन गया या सबका आपस में झगड़ा हो गया। तो उसका कारण क्या होता है? देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम मंत्र जप रहे होते हैं तो कभी कभी सही उच्चारण ना होने के कारण, गलत उच्चारण होने के कारण भी नकारात्मकता का वास आपके यहाँ होने लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सही उच्चारण कर भी रहे होते हैं तब भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, इसमें मंत्र की कोई गलती नहीं होती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मंत्र के कारण ऐसा होता है। मंत्र से तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही निकलती है। अगर आप सही से जप कर रहे हैं तो मंत्र से सकारात्मक ऊर्जा ही निकलती है। आप चाहे वाचिक जप कर रहे हों, चाहे आप उपांशु जप कर रहे हों, चाहे आप मानसिक जप कर रहे हों। मानसिक जप आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं, जो मन में करते हैं। उपांशु जप वो होता है जिसमें हम मंत्र को फुसफुसाते हुए जपते हैं, थोड़ी सी आवाज़ निकलती है, थोड़ा मन में रहता है, उसको उपांशु कहते हैं। और जो बोल बोल के जप करते हैं उसे वाचिक जप कहते हैं। तो जब आप जप करते हैं तो जप में क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या किसी व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा है तो क्या होती है, वो एक तरह से परेशान होने लगती है, छटपटाने लगती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप जप करेंगे, हवन करेंगे और भगवान को आहुति देंगे तो वो वहाँ नहीं रुक सकती है, उसे जाना ही पड़ेगा। वो आपके जरिए झगड़ा कभी नहीं होगा, वो दूसरे लोगों के दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा कि वो झगड़ा करेंगे, जिससे आपकी पूजा में व्यवधान हो। अगर आप जप कर रहे हैं तो उस समय व्यवधान हो, या जप करने जा रहे हैं तो व्यवधान हो, या जप करने के बाद आएँ तो व्यवधान हो, मतलब इस तरह से कुछ होता रहता है। तो ये होता है नकारात्मकता के कारण। तो ऐसा होता है और आप लोगों ने महसूस किया भी होगा, खासकर तब ज़्यादा होता है जब शुरू शुरू में आप जप करना शुरू कर रहे होते हैं, शुरू शुरू में आपने संकल्प लिया होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी भी बात से प्रभावित होके, या किसी वीडियो से प्रभावित होके, या किसी गुरु के सानिध्य में प्रभावित होके जप करना शुरू करते हैं। अन्यथा ज़्यादातर लोग साधारण पूजा ही करते रहते हैं, धूप दीप से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जप के मार्ग में हर कोई नहीं जाता है या हर कोई जप नहीं करता। तो जब शुरू करते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हो सकता है कि आपको पूजा करते करते गुस्सा आए, हो सकता है कि आपको जप करते करते गुस्सा आए, ऐसा लगे बस उठ जाओ अब नहीं करना है, या पांच माला जप करनी है तो दो माला करने के बाद ही आपको ऐसा महसूस होगा उठ जाओ रहने दो अब मत करो क्या कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको जप करते रहना है। और ख़ासकर जब आप ये देखो कि झगड़े से हो रहे हैं, घर में नकारात्मकता है, डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, तो आप जप की संख्या बढ़ा दो, जप की संख्या बढ़ा दो। अगर वाचिक जप करते हैं तो और तेज़ तेज़ बोल के मंत्र जप करिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्रोत का घर में पाठ करिए, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। शाम को अगर आप दीपक जलाते हैं तो शाम को भी करिए। पूजन भगवान का पंचोपचार पूजन अच्छे से करिए, धूप दीप कुमकुम चंदन और भोग जो लगाते हैं, जल हो गया, पुष्प हो गया, ये सारी चीज़ों से भगवान का पूजन अच्छे से करिए। जितनी आपके पास व्यवस्था हो सकती है उस हिसाब से करिए। जो चीज़ नहीं है उसका मानसिक अर्पण करिए, मन में ऐसा सोचिए कि आपने भगवान को अर्पित किया है, मन में आंखें बंद करिए और अर्पित करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास में सारी व्यवस्थाएँ हैं
और सब कुछ आप कर सकते हो, फिर भी आप सोचो कि नहीं हम तो मानसिक अर्पण ही कर देते हैं। ऐसा नहीं, जब आपके व्यवस्था नहीं है, आप नहीं कर पाए, जैसे पुष्प लेके आना था आप नहीं ला पाए, पूजा में बैठ गए हैं और पुष्प खरीद के लाना था, तो अगर पूजा में बैठ चुके हैं तो मानसिक अर्पण कर दीजिए, अन्यथा ध्यान रखिए कि आपको भगवान के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि आप एक तरह से तपस्या कर रहे होते हैं। तो जब भी आप जप करते हैं तो इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं, नकारात्मक ऊर्जा किलबिलाने लगती है एक तरह से, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही जब आपका जो बढ़ता रहता है, जप की संख्या बढ़ाते रहते हैं या जप लगातार करते रहते हैं, साथ में हवन भी करते रहते हैं, तो वो सारी जितनी भी गंदी शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, सब जाने लगती हैं, उनका पलायन होने लगता है। आप जब जप करते हैं तो जप का जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे घर में, एक जो आपका आभा मंडल होता है, जो एक घर का मंडल होता है, घर का आभा मंडल होता है, उसमें विचरण करने लगता है आपका जो जप होता है, जिसकी वजह से कोई भी इस तरह की शक्ति घर में नहीं रुक पाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है शुरू शुरू में कि लगता है कि नहीं जप के कारण झगड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जप की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।